लक्ष्मी पांचाल। खबर 24 न्यूज के स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का फिर से स्वागत है। जिनकी दृष्टि से त्रिभुवन सनाथ, वो जग के मालिक जग के नाथ, फैलाकर आज अपने दोनों हाथ आए अपनाने हमें स्वयं जगन्नाथ। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, बड़े भाग से मिलते हैं जगन्नाथ के भात। भादों की सुगंध, बारिश की फुहार, दिल की उम्मीदें, अपनों का प्यार, मंगलम हो आपको भगवान जगन्नाथ का त्यौहार। जी हाँ, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को किया जाता है। इस वर्ष यह त्यौहार 7 जुलाई को मनाया जा रहा है। इस दिन ओडिशा के पुरी नामक स्थान और गुजरात के द्वारकापुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकाली जाती है। यही नहीं, अब तो देश भर में भगवान जगन्नाथ के भक्तों द्वारा भव्य रथ यात्राओं को निकाला जाता है। लेकिन फिर भी पुरी और द्वारका की रथ यात्राओं की भव्यता और शोभा की बात बहुत ही निराली है। रथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवान जगन्नाथ स्वयं चलकर जनता के यानी कि उनके भक्तों के बीच जाते हैं और सुख दुख के सहभागी बनते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है, जिसको ग्रहण करने के लिए सभी भक्त बेहद उतावले रहते हैं। मान्यता है कि श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद का स्वरूप महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने दिया था। रथ यात्रा उत्सव बढ़ा देता है श्रद्धालुओं का उत्साह। रथ यात्रा उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं का भक्ति भाव देखते ही बनता है, क्योंकि जिस रथ पर भगवान सवारी करते हैं उसे घोड़े या अन्य जानवर नहीं बल्कि श्रद्धालु गण ही खींच रहे होते हैं। पुरी में श्री जगदीश भगवान को सपरिवार विशाल रथ पर आरूढ़ कराकर भ्रमण करवाया जाता है, फिर वापस लौटने पर यथास्थान स्थापित किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर की कथा हम आपको समझाते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का पुण्य 100 यज्ञों के समान होता है। इसकी तैयारी अक्षय तृतीया के दिन श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण के साथ शुरू हो जाती है। रथ यात्रा के प्रारंभ को लेकर कथा मिलती है कि राजा इंद्रद्युम अपने परिवार के साथ नीलांचल सागर उड़ीसा के पास रहते थे। एक बार उन्हें समुद्र में एक विशालकाय काष्ठ दिखा, तब उन्होंने उससे विष्णु मूर्ति का निर्माण कराने का निश्चय किया। उसी समय उन्हें एक वृद्ध बढ़ई भी दिखाई दिया, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं विश्वकर्मा जी थे। बढ़ई बने भगवान विश्वकर्मा ने राजा से कहा कि वह मूर्ति तो बना देंगे, लेकिन उनकी एक शर्त है। राजा ने पूछा, कैसी शर्त? तब उन्होंने कहा कि मैं जिस घर में मूर्ति बनाऊंगा उसमें मूर्ति के पूर्ण रूप से बन जाने तक कोई भी नहीं आएगा। राजा ने इस शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि वर्तमान में जहां श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है उसी के पास एक घर के अंदर वे मूर्ति निर्माण में लग गए। राजा के परिवारजनों को बढ़ई के शर्त के बारे में पता ही नहीं था। कथा के अनुसार रानी ने सोचा कि कई दिन से द्वार बंद है और बढ़ई भी भूखा प्यासा होगा, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। यही सोचकर रानी ने राजा से कहा कि कृपा करके द्वार खुलवाएं और वृद्ध बढ़ई को जलपान कराएं। रानी के यह बात सुनकर राजा भी अपनी शर्त भूल गए और उन्होंने द्वार खोलने का आदेश दिया। कहते हैं कि द्वार खुलने पर वह वृद्ध बढ़ई कहीं नहीं मिला, लेकिन वहां उन्हें अर्ध निर्मित श्री जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की काष्ठ मूर्तियां मिली। कथा के अनुसार अधूरी पड़ी इन प्रतिमाओं को देखकर राजा और रानी को अत्यंत दुख हुआ, लेकिन उसी समय दोनों ने आकाशवाणी सुनी, व्यर्थ दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं, इसलिए मूर्तियों को द्रव्य आदि से पवित्र कर स्थापित कर दो। आज भी वे अपूर्ण और अस्पष्ट मूर्तियां पुरुषोत्तम पुरी की रथ यात्रा और मंदिर में सुशोभित व प्रतिष्ठित हैं। मान्यता है कि श्री कृष्ण व बलराम ने माता सुभद्रा की द्वारिका भ्रमण की इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से अलग अलग रथों में बैठकर रथ यात्रा निकाली। तब से ही माता सुभद्रा की नगर भ्रमण की स्मृति में रथ यात्रा पुरी में हर वर्ष आयोजित की जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास भी हम जान लेते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देश में एक पर्व की तरह मनाई जाती है, इसीलिए पुरी के अलावा कई जगह यह रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा को लेकर कई तरह की मान्यता और इतिहास है। बताया जाता है कि एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने की चाह रखते हुए भगवान से द्वारका के दर्शन कराने की प्रार्थना की। तब भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन को रथ में बैठा कर नगर का भ्रमण करवाया, जिसके बाद से यहाँ हर वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है।
इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा की प्रतिमाएं रखी जाती हैं और उन्हें नगर का भ्रमण करवाया जाता है। यात्रा के तीनों रथ लकड़ी के बने होते हैं जिन्हें श्रद्धालु खींच कर चलते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए लगे होते हैं एवं भाई बलराम के रथ में 14 व बहन सुभद्रा के रथ में 12 पहिए लगे होते हैं। यात्रा का वर्णन स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण आदि में मिलता है, इसीलिए यह यात्रा हिंदू धर्म में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। रथ यात्रा में शामिल होने की क्या क्या महिमा है यह भी आपको बताते हैं। रथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवान जगन्नाथ चलकर अपने भक्तों के बीच आते हैं और उनके सुख दुख में सहभागी होते हैं। इसका महत्व शास्त्रों और पुराणों में भी बताया गया है। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो भी व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होकर गुंडीचा नगर तक जाता है वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। वही जो भक्त श्री जगन्नाथ का दर्शन करते हुए प्रणाम करते हुए मार्ग के धूल कीचड़ से होते हुए जाते हैं वे सीधे भगवान श्री विष्णु के उत्तम धाम को जाते हैं। इसके अलावा जो गुंडीचा मंडप में रथ पर विराजमान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी के दक्षिण दिशा को आते हुए दर्शन करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब जगन्नाथ रथ यात्रा का क्या महत्व है ये भी आपको बताते चले। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का एक बहुत बड़ा महत्व है। मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा को निकालकर भगवान जगन्नाथ को प्रसिद्ध गुंडीचा माता मंदिर में पहुंचाया जाता है। यहां भगवान जगन्नाथ आराम करते हैं। गुंडीचा माता मंदिर में भारी तैयारियां की जाती हैं और मंदिर की सफाई के लिए इंद्र द्युमन सरोवर से जल लाया जाता है। यात्रा का सबसे बड़ा महत्व यही है कि यह पूरे भारत में एक पर्व की तरह मनाया जाता है जो आज मनाया जा रहा है। चार धाम में से एक धाम जगन्नाथ मंदिर को माना गया है, इसीलिए जीवन में एक बार इस यात्रा में शामिल होने का शास्त्रों में भी उल्लेख है। जगन्नाथ रथ यात्रा में सबसे आगे भगवान बलभद्र का रथ रहता है, बीच में भगवान की बहन सुभद्रा का और उसके पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ रहता है। इस यात्रा में जो भी सच्चे भाव से शामिल होता है उसकी मनोकामना पूर्ण होकर उसे मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है। 100 यज्ञों के बराबर है रथ यात्रा का पुण्य। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण के अवतार जगन्नाथ की रथ यात्रा का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण के साथ ही शुरू हो जाती है। जगन्नाथ जी का रथ गरुड़ ध्वज या कपिल ध्वज कहलाता है। रथ पर जो ध्वज है उसे त्रैलोक्य मोहिनी या नंदी घोष रथ कहते हैं। बलराम जी का रथ तल ध्वज के नाम से पहचाना जाता है। रथ के ध्वज को उनानी कहते हैं। जिस रस्सी से रथ खींचा जाता है वह वासुकी कहलाता है। सुभद्रा का रथ पद्म ध्वज कहलाता है। रथ ध्वज ननंबिक कहलाता है। इसे घींचने वाली रस्सी को स्वर्ण चूड़ा कहा जाता है। रथों की क्या विशेषताएं होती हैं यह भी आपको बताते चले। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव की तैयारियां महीनों पहले से शुरू कर दी जाती हैं और रथ यात्रा वाले दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं और उत्सव मनाते हैं। पुरी में जिस रथ पर भगवान की सवारी चलती है वह विशाल एवं अद्वितीय है और इसका आध्यात्मिक और पौराणिक दृष्टि से विशेष महत्व भी है। भगवान जगन्नाथ का रथ 45 फुट ऊंचा, 35 फुट लंबा तथा इतना ही चौड़ाई वाला होता है। वास्तव में रथ यात्रा एक सामुदायिक अनुष्ठानिक पर्व है। इस अवसर पर घरों में कोई भी पूजा नहीं होती और ना ही किसी प्रकार का उपवास रखा जाता है। एक अहम बात यह है कि रथ यात्रा के दौरान यहाँ किसी प्रकार का जाति भेद देखने को नहीं मिलता है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट आज जगन्नाथ यात्रा को लेकर के। बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। 9 साल बेमिसाल।